बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शाही चरगा पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जो कि बड़ा मज़े का और खुशबूदार पुलाव बनेगा और इसे आप अपनी किसी भी स्पेशल दावत के लिए बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा साबत चिकन 1 किलो, जिसे धोने के बाद आप इस पर कट्स लगा लीजिएगा, और इसको मैरिनेट करने के लिए चाहिए होगा दही 1/2 कप, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, फ्रेश लेमन जूस 3 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, और तंदूरी कलर या ऑरेंज कलर 1 चुटकी, और तलने के लिए तेल चाहिए होगा। और पुलाव बनाने के लिए चावल 1/2 किलो, 2 अदद प्याज बारीक स्लाइसेस में कटी हुई, मक्खन 50 ग्राम, तेल 1/4 कप, दही 1/2 कप, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, साबुत सफेद जीरा 1 टीस्पून, पिसी सौंफ 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका, पिसी जायफल और जावित्री 1/2 टीस्पून, पिसी छोटी सब्ज इलायची 1/4 टीस्पून, और इसके अलावा जाफरान 1/4 टीस्पून, केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून, और इसके अलावा चाहिए होगा चांदी के वर्क, और उबले हुए अंडे 2 अदद, कटे बादाम और पिस्ता हसबे जरूरत चाहिए होंगे। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए आप डालें दही, इसमें डाल दें सुर्ख मिर्च पाउडर, काली मिर्चें, भुना कुटा जीरा, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन, लेमन जूस, नमक और तंदूरी कलर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप चिकन को इसमें मैरिनेट कर लें। इस तरह आप सब तरफ से अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद आप इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो इसे रात को ही मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतनी ही ज्यादा चिकन मजे की बनेगी। दो घंटे गुजरने के बाद आप चिकन को किसी देचके में पकने के लिए चढ़ा दें। और साथ ही आप सारा मसाला भी डाल दें। और दरमियान में आप इसे उलट पुलट भी करते रहिएगा, और इसे इस वक्त तक पकाइएगा जब तक चिकन गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। और इस तरह से आप पलट लीजिएगा और इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाइएगा। और जब इस तरह से चिकन का पानी खुश्क हो जाए और गल जाए, तो दूसरी तरफ आप तेल गर्म कर लीजिएगा और इसे डीप फ्राई कर लीजिएगा। दोनों तरफ से पकाने के बाद आप इसे निकाल लें। और पुलाव बनाने के लिए आप मक्खन और तेल को गर्म कर लें। और इसमें आप डाल दें प्याज और इन्हें आप गोल्डन ब्राउन कर लें। और साथ ही आप चावलों को धोकर पानी में छोड़ दीजिएगा।
और जब प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूल्हे से उतार कर आधी प्याज को आप निकाल कर फैला कर रख लीजिएगा। और दोबारा चूल्हे पर रखकर बकिया प्याज में आप डाल दें दही। और इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसमें आप डाल दें अदरक लहसुन, सूख मिर्च पाउडर, साबुत जीरा, पिसी सौंफ और नमक डालकर अच्छी तरह से भून लें। और जब ये इस तरह से भूंसा जाए तो आप इसमें चावलों के हिसाब से पानी डाल दें। और जब पानी में बॉयल आ जाए तो आप चावलों में से पानी निकालकर चावल इसमें डाल दीजिएगा और इसी स्टेज पर आप नमक भी चेक कर लीजिएगा। और जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो आप ऊपर डाल दें जायफल जावित्री, पीसी सब्ज इलायची, जाफरान और केवड़ा वाटर और इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम दे दें। हल्की आंच पर दम देने के बाद अब इसका मैं दम खोल लूंगी। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिला लें और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। पर आप डाल लें ब्राउन प्याज ऊपर आप चरगा रख दें और ऊपर आप चांदी के वर्क लगा दें। और ऊपर आप पिस्ते और बादाम डाल दें। ऊपर आप अंडे रख दें। लीजिए बहुत मजेदार शाही चरगा पुलाव तैयार है। इसे आप रमजान में या अपनी किसी खास दावत का हिस्सा बना सकते हैं या किसी खास ओकेजन पर बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीस पाक इस तरह से है, कबीला बनी सलीम के एक सहाबी शख्स का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पर शुमार करके फरमाया कि तस्बीह निस्फ मैजान को भर देती है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तौर पर पुर कर देता है और तकबीर जो कुछ आसमान और जमीन के बीच है सबको भर देता है और रोजा निस्फ सबर है और पाकीजगी आधा ईमान है। इस हदीसे मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अहम नुक्ते उम्मत को बताए हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार के मुतल्लिक फरमाया है, ये जिक्र अल्लाह वालों के कलूब की गिज़ा और जरिया हयात है। अगर वो उनको ना मिले तो जिस्म उन कलूब के लिए कब्र बन जाए और जिक्र से ही उनके दिलों की दुनिया आबाद है।
अगर दिलों की दुनिया इससे खाली हो जाए तो बिल्कुल वीराना होकर रह जाए। जिक्र अल्लाह का ही वो रास्ता और दरवाज़ा है जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान खुला हुआ है, और उससे बंदा इसकी बारगाह तक पहुंच सकता है। और जब बंदा जिक्र अल्लाह से गाफिल होता है तो ये दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अल्लाह ताला ने जिस तरह आंखों को रोशनी और बिनाई से मुनव्वर किया है, इसी तरह जिक्र करने वाली जुबानों को जिक्र से मुजय्यन फरमाया है। इसीलिए अल्लाह की याद से गाफिल जुबान उस आंख की तरह है जो बिनाई से महरूम है, और उस कान की तरह है जो सुनवाई की सलाहियत खो चुका है, और उस हाथ की तरह है जो मफलूज होकर बेकार हो गया है। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर जिक्र अल्लाह के मुतल्लिक अल्लाह ताला का इरशाद है। एक जगह अल्लाह ताला अपने बंदों से इस तरह मुखातब है, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद रखूंगा, और मेरा एहसान मानो और नाशुक्री ना करो। सुभान अल्लाह, बंदे की इससे बड़ी सआदत और कामयाबी और क्या हो सकती है कि पूरी कायनात का खालिक और मालिक उसको याद करे और याद रखे। हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह कहना अल्लाह ताला की अजमत और बरतरी के इजहार का ऐसा अमल है जो निस्फ मैजान अमल को भर देने के लिए काफी है। लेकिन ये इजहार सच्चे दिल से हुआ हो, सच्चे दिल से अल्लाह ताला की अजमत का इकरार आदमी की जिंदगी को बदल सकता है, फिर इसका मैजान नेकियों से क्यों ना भरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहना यानी अल्लाह ताला की हमद व सताइश, जो अल्लाह ताला की तस्बीह और हमद से इबादत हो, वही जिंदगी ऐसी जिंदगी है जिसे कामिल जिंदगी कहा जा सकता है। इसलिए तस्बीह और तमहीद के सबब मैजान अमल का पुर हो जाना फितरी सी बात है। तकबीर यानी अल्लाहु अकबर का कहना, जिनको हकीकी समात हासिल है इन्हें कायनात में हर तरफ जमीन में भी और आसमानों में भी तकबीर ही की गूंज सुनाई देती है। जमीन और आसमान का हर जर्रा अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई का दास्तान सुना रहा है। जब कोई अल्लाह की बड़ाई का तराना गाता है तो जमीन और आसमान का हर जर्रा उसके साथ हो जाता है, गोया उसके साज की आवाज साजो कायनात की आवाज से हम आहंग हो जाती है। फिर हदीसे मुबारका में जिक्र है सबर का। मोमिन की पूरी जिंदगी को हम सबर से ताबीर कर सकते हैं। मोमिन एक जाब्ता हयात का पाबंद होता है। वो दुनिया में इसलिए जिंदा रहता है कि अल्लाह की राह में सरगर्म सफर हो। सबर के बगैर ना तो आदमी अल्लाह की राह में एक कदम चल सकता है और ना उसके बगैर उसके किरदार और सीरत की तामीर हो सकती है। इस हदीस में रोजे को निस्फ सबर कहा गया है, मतलब यह है कि जिस शख्स ने रोजा रख लिया उसने सबर की तरबियत हासिल कर ली। अब जरूरत है कि वो उससे अपनी पूरी जिंदगी में फायदा उठाए और अपनी पूरी जिंदगी को सबर के सांचे में ढाले। जिस दिन उसकी जिंदगी सबर के सांचे में ढल गई, उस दिन हम कह सकते हैं कि उसने अपने सबर को कामिल कर लिया। उस वक्त निस्फ सबर नहीं, उसे पूरा सबर हासिल होगा। सबर और रोजा के दरमियान एक गहरा ताल्लुक पाया जाता है कि रोजा के तसव्वुर से ही सबर का तसव्वुर खुद जहन में आ जाता है, और रोजा की इस हकीकत को जाहिर करता है कि इसकी इब्तिदा भी सबर है और इसकी इंतहा भी सबर है। जो सबर से आशना नहीं वो हकीकी स्वयं नहीं हो सकता, और जो हकीकी स्वयं बन गया उसने सब्र और इस्तकामत की हकीकत को अपने अंदर जज़्ब कर लिया है। रोजा और सबर वो अमल है जिनकी जजा और बदला भी बे इंतहा है। अल्लाह ताला की फयाजी का सबसे बड़ा मुजाहिरा इन दोनों अमाल की जजा पर है। रोजा के मुतल्लिक जैसा कि हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका बदला मैं खुद दूंगा, और सबर के मुतल्लिक अल्लाह ताला का इरशाद है बिला शुबा सबर करने वालों को अजर व सवाब हिसाबो किताब के बगैर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।